नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एपीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ ओशन। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा बीकानेर के मूल निवास सिलवा में संत दुलाराम कुलरिया राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सामाजिक सरोकार के तहत कुलरिया परिवार की ओर से निर्मित करवाया गया यह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थानीय क्षेत्र और आमजन के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जन जन तक मूलभूत चिकित्सा सेवाओं को पहुंचाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि आमजन को घर के नजदीक ही गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ हो सके, इसके लिए स्वास्थ्य ढांचे का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। स्वायत्त शासन राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि नागौर में ताउसुर रोड पर हाउसिंग बोर्ड की जमीन का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए अतिक्रमणकारी कहीं भी जाए इससे कोई मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई कोर्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि उन लोगों ने उपभोक्ता मंच के माध्यम से कुछ फैसले पहले अपने हक में करवा लिए थे, वो सारे फैसले शून्य हैं। जल्दी ही इस जमीन पर राजस्थान आवासन मंडल की योजना दोबारा से सृजित करवाकर जो कुछ भी सरकार को करना है वो निश्चित रूप से करेगी। किसी भी अतिक्रमी को एक इंच भी जमीन इसमें से हम नहीं लेने देंगे। राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। नागौर में अवैध तरीके से पट्टे जारी करने के सवाल पर राज्य मंत्री खर्रा ने कहा, ये मामला आज संज्ञान में आया है। जयपुर पहुंचने के बाद संबंधित पत्रावली तलब करके जो भी कार्रवाई होगी वो करेंगे। परिसीमन को लेकर कहा कि राजस्थान सरकार पूरे प्रदेश में सभी नगर निकायों और पंचायती राज इकाइयों का परिसीमन करेगी। राज्य सरकार एक राज्य एक चुनाव की दिशा में जड़मत होकर कार्य कर रही है। सभी नगर निकायों और पंचायती राज इकाइयों के चुनाव 2 माह में निपटकर पूरे राज्य में समय समय पर लगने वाली आचार संहिता से छुटकारा दिलाकर प्रदेश सरकार लगातार 4 साल कार्य करेगी। जोधपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने इंडस्ट्रियलिस्ट की मीटिंग लेकर उन्हें इंडस्ट्रियल पार्क की जानकारी दी। साथ ही व्यापारियों के लिए इस बजट में क्या विशेष रहा उससे अवगत करवाया। लघु उद्योग भारती के संयुक्त तत्वाधान में केंद्र बजट संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इससे पहले राष्ट्रीय प्रवक्ता ने लघु उद्योग भारती कार्यालय के सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर बजट में राजस्थान और जोधपुर को क्या मिला इसकी जानकारी दी। इस दौरान जालौर सिरोही से लोकसभा सांसद लंबाराम, कैबिनेट मिनिस्टर जोगाराम पटेल, प्रदेश मंत्री महेंद्र कुमावत, जिलाध्यक्ष देवेंद्र सालेचा भी मौजूद रहे। गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस बजट को लेकर झूठा नैरेटिव फैला रही है। बजट में जिन राज्यों का नाम नहीं लिया गया इसका मतलब यह नहीं कि उन राज्यों को कुछ मिलेगा नहीं। उन्होंने बताया कि बजट में रोजगार को लेकर जो योजना बनी है उससे देश के सभी राज्यों के बेरोजगार युवाओं को फायदा मिलेगा। यह प्रावधान केवल एक राज्य के लिए नहीं है। वहीं उन्होंने बताया कि एमएसएमई के लिए बजट में जो प्रावधान है वह हर राज्य के उद्यमियों के लिए उपयोगी साबित होगा। दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर राष्ट्रीय महिला कांग्रेस का धरना प्रदर्शन का आयोजन होने वाला है। जोधपुर से बड़ी संख्या में देहात कांग्रेस महिला जिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पटेल के नेतृत्व में महिलाओं ने ट्रेन से दिल्ली की ओर कूच किया। गौरतलब है कि दिल्ली जंतर मंतर पर विशाल धरना प्रदर्शन होना उसके बाद संसद घेराव का कार्यक्रम है। महिला कांग्रेस देहात जिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पटेल ने बताया कि डबल इंजन की सरकार को लेकर जिस तरह से महिला अत्याचार बढ़ रहा है इसके साथ साथ महंगाई की मार से आमजन परेशान है।
इन्हीं मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय महिला कांग्रेस के नेतृत्व में दिल्ली में महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं द्वारा संसद का घेराव किया जाएगा। खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय राजस्थान और होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान की ओर से फूड सेफ्टी, हाइजीन और मिलेट्स मोटा अनाज के प्रमोशन के लिए यहां सेमिनार का आयोजन किया गया। राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत ने कहा कि होटल फेडरेशन की ओर से स्वास्थ्य विभाग के इस तरह के सेमिनार आयोजन से खाद्य पदार्थों को लेकर आमजन में जागरूकता बढ़ेगी और मोटे अनाज के उपयोग के लिए लोग प्रेरित होंगे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की पहल पर प्रदेश में मोटे अनाज को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मोटे अनाज के उपयोग से हम अनेक बीमारियों से बच सकते हैं। टूरिज्म सेक्टर से जुड़े सदस्य के साथ फूड सेफ्टी विभाग ने इस प्रकार की वार्ता से एक अच्छा संदेश पूरे राजस्थान भर में पहुंचेगा। बहरोड़ विधायक डॉ. जसवंत सिंह यादव ने विधायक कार्यालय में लोगों से मुलाकात और जन सुनवाई की। इस मौके पर भारी संख्या में बड़े बुजुर्ग और महिलाएं डॉ. जसवंत सिंह यादव से मिलने, उनसे बिजली, सड़क, पानी और जैसी समस्याओं का जिक्र करने और लगातार एक से बढ़कर एक जनहित कार्यों की शुरुआत करने हेतु बधाई और धन्यवाद देने पहुंचे। वहीं डॉ. जसवंत सिंह यादव ने सभी के प्रति आभार प्रकट किया। उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर हर एक की बात सुनी, सभी की समस्याओं का निस्तारण करने के लिए फौरन संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया। अपने संबोधन में डॉ. जसवंत सिंह यादव ने बहरोड़ की जनता के सुख दुख को अपना सुख दुख समझकर सबकी परेशानियों को जल्द से जल्द दूर करने का वादा किया। उन्होंने कहा, जन समस्याओं से मैं बखूबी वाकिफ हूं और इसलिए विधानसभा में 100 से अधिक सवाल पूछ पाया। उन्होंने आने वाले समय में बहरोड़ को अग्रणी क्षेत्र बनाने की मंशा व्यक्त की। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां जाहरवीर गोगा जी धाम गोगा मेड़ी में स्थित मेला मजिस्ट्रेट कार्यालय इन दिनों कबाड़ घर बना हुआ है। आपको बता दें कि मेला मजिस्ट्रेट कार्यालय की चाबी स्थानीय दुकानदारों के पास है, जिसके चलते कार्यालय में कई दुकानदारों ने टेंट का सामान रखा हुआ है। कई दुकानदारों ने अपनी दुकानों का सामान इस कार्यालय में रखा हुआ था, जिसके कारण सरकारी मेला मजिस्ट्रेट कार्यालय गंदगी व कचड़ों के ढेर से अटा पड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, मेला मजिस्ट्रेट कार्यालय में जगह जगह पर गंदगी और कूड़े करकट के ढेर भी लगे हुए हैं। मेला मजिस्ट्रेट कार्यालय में गंदगी की भरमार और स्थानीय दुकानदारों के कब्जे के कारण पूरा मेला मजिस्ट्रेट कार्यालय सड़ांद मार रहा है। गोंगा मेड़ी के जागरूक लोगों का कहना है कि सरकारी कार्यालय होने के बावजूद स्थानीय दुकानदारों को कार्यालय की चाबी किसने सौंपी, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब हमारी टीम ने ग्रामीणों की शिकायत पर कार्यालय जाकर देखा तो मेला मजिस्ट्रेट कार्यालय के हाल बेहाल थे। कार्यालय में कहीं पर टेंट का सामान बिखरा पड़ा था तो कहीं पर पानी की बोतलों के कार्टून कार्यालय की शोभा बढ़ा रहे थे। अलवर के खैरस्थल थाना क्षेत्र के वल्लभ ग्राम में रात को गहरी नींद में सो रहे मां और बेटों पर धारदार हथियार से अज्ञात दो जनों ने हमला कर दिया, जिससे मां के गाल पर 17 टांके आए हैं। वहीं बेटे के गाल व होंठ कट गए हैं, जिसके 25 टांके लगे हैं। दूसरे बेटे की उंगली पर कट लग गए हैं। तीनों को अलवर जिला अस्पताल में इलाज जारी है।
घटना रात करीब 12 बजे की है। जानकारी के अनुसार वल्लभ ग्राम निवासी 54 वर्षीय सुनीता देवी के गले के ऊपर हमला किया। इसको करीब 17 टाके आए हैं। वहीं छोटे बेटे अर्जुन मेघवाल के जबड़े पर धारदार हथियार से हमला किया गया, जिसके दांत, होंठ और 25 टाके आए हैं। बेटे करण मेघवाल ने बताया कि रात करीब 12 बजे मैं और मेरा भाई और पिता घर के बरामदे में सो रहे थे, तभी अज्ञात दो लोग धारदार हथियार लेकर घर में घुस गए, जिन्होंने सबसे पहले हम तीनों भाइयों पर और उसके बाद हमारी मां सुनीता पर हमला किया। पहले बदमाशों ने घर के बाहर का बल्ब उतारा ताकि अंधेरे में कुछ दिखाई न दे। पीड़ित परिवार का कहना है कि उनकी किसी से रंजिश भी नहीं है, फिर भी हमले के कारणों का पता नहीं चला है। हालांकि पुलिस को रिपोर्ट दे दी गई है। पुलिस आसपास के फुटेज देखकर हमलावरों का पता लगाने में लगी हुई है। शिक्षा और पंचायती राज विभाग मंत्री मदन दिलावर ने रविवार को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के शुरू किए हरियाली राजस्थान पौधारोपण अभियान के तहत पलसाना CHC परिसर में 551 पौधे लगाए। पृथ्वी के बढ़ते तापमान पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि हम भट्टी के महानों पर बैठे हैं, कभी भी भस्म हो सकते हैं। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि विश्व के सबसे ज्यादा तापमान वाले 15 शहरों में राजस्थान के 7 शहर शामिल हैं। हम भट्टी के मुहाने पर बैठे हुए हैं, कभी भी जलकर भस्म हो सकते हैं। विदेश में जहां प्रति व्यक्ति हजारों पेड़ लगाए गए हैं, वहीं राजस्थान में प्रति व्यक्ति केवल 20 पेड़ है, जबकि प्रति व्यक्ति 472 पेड़ होने चाहिए। उन्होंने कहा कि राजस्थान में पेड़ों को बचाने के लिए जोधपुर के खेजडली में अमृता देवी के नेतृत्व में 363 लोगों ने जान दे दी थी, लेकिन पेड़ों को नहीं काटने दिया। ऐसे में हम सभी को संकल्प लेना चाहिए कि एक बार फिर उसी तरह राजस्थान में पौधारोपण के अभियान को बढ़ावा दिया जाए, जिससे कि धरती का तापमान कम हो सके। मामला राजधानी जयपुर के रामगंज थाने का है। हम आपको बता दें, गुलाबी नगर जयपुर रतन डायमंड के लिए प्रसिद्ध है। देश विदेश से लोग यहां पर व्यापार करने आते हैं, लेकिन जब व्यापारियों के साथ ही धोखाधड़ी हो और पुलिस भी आरोपी का साथ दे, तो न्याय की गुहार किस से लगाई जाए। NRI तुलसी केसवानी काफी लंबे समय से जयपुर के ऋषि फतेहपुरिया के साथ डायमंड का बिजनेस कर रहा था। बिजनेस के नाम पर करोड़ों रुपए भी दिए, लेकिन जयपुर के व्यापारी द्वारा नकली माल दिया गया। जब NRI को इसकी जानकारी मिली तो उसने जयपुर के व्यापारी को इसके बारे में बताया, तो जयपुर के व्यापारी ने माफी मांग ली, लेकिन एक बार फिर NRI को विश्वास करना पड़ा। जब दूसरी बार डायमंड मंगवाए गए तो वह भी नकली निकले। आपको बता दें, NRI की सूरत में भी फैक्ट्री है। वहां के मैनेजर पीयूष बालानी ने भी जयपुर के आरोपी ऋषि फतेहपुरिया के साथ मिलकर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। भीनमाल शहर के नीलकंठ महादेव मंदिर में सावन के दूसरे सोमवार को भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखी गई। भक्तों ने महादेव का जलाभिषेक कर परिवार की खुशहाली और उन्नति की मन्नत मांगी। सुबह होते ही शिव भक्त मंदिरों की ओर रुख करने लगे। मंदिर के पुजारियों ने विशेष पूजा अर्चना की तैयारी की थी। जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और अन्य पूजन सामग्री लेकर भक्तों ने महादेव का अभिषेक किया। ओम नमः शिवाय व बम बम के जयकारों से मंदिर परिसर गूंज उठा। राजस्थान स्पेशल में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको ले चलते हैं चंपावत में, जहां सेलिब्रेटिंग एप्पल हार्वेस्ट कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। वहां CM पुष्कर सिंह धामी भी शिरकत कर रहे हैं। हम अधिकाधिक किसानों को देने पर काम कर रहे हैं। हमने सेब की खेती और किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए देश पहली बार
अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव का आयोजन किया, जिसके माध्यम से केवल उत्तराखंड के सेबों को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने का प्रयास किया, बल्कि इससे हमारे किसानों को मार्केटिंग और ब्रांडिंग के सीखने में मदद मिली है। वर्तमान में हम एप्पल मिशन के अंतर्गत सेब बगान लगाने वाले किसानों को 80% सब्सिडी देने का भी काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमने राज्य में नई सेब नीति बनाई है, इसमें हमने 8 साल में 5,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सेब की सघन बागवानी का लक्ष्य रखा है। हमारा लक्ष्य है कि हम प्रदेश में सेब का सालाना टर्नओवर है वो 200 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपए तक पहुंचाए। प्रदेश में उद्योग के साथ बागवानी के विकास के लिए भी एक अनुकूल नीति बनाकर काम कर रहे हैं। राज्य में नई तकनीकी से सेब के उन्नत किस्म के पेड़ लगाने से हम जम्मू कश्मीर व हिमाचल से भी अच्छी क्वालिटी का सेब उत्पादन कर निर्यात बन सकते हैं। जम्मू कश्मीर और हिमाचल के साथ साथ उत्तराखंड को भी सेब उत्पादन में विशेष पहचान बने, इसके लिए गुणवत्ता व पैकिंग पर विशेष ध्यान किया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि अधिकाधिक किसानों को सेब की खेती के लिए प्रेरित किया जाए, ताकि सेब उत्पादन उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाया जा सके। हमारा लक्ष्य है कि सिर्फ सेब ही नहीं, आने वाले 4-5 वर्षों में भिन्न फलों की जो पैदावार है वो 20 गुना तक, जो आज होती है उससे 20 गुना तक उसको बढ़ाया जाए। हमारी सरकार इसके लिए किसानों को आवश्यक संसाधन और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने का भी काम कर रही है। किसानों को 3 लाख रुपए और जो हमारी बहनों के महिला स्वयं सहायता समूह है को बिना ब्याज के 5 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जा रहा है। चंपावत और उत्तर प्रदेश के परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत जैविक खेती को प्रमोट करने हेतु किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है। फार्म मशीनरी बैंक योजना के तहत किसानों को 80% तक सब्सिडी पर कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आप सब लोगों ने देखा होगा, जब भी हमारे कोई भी जिला स्तरीय कार्यक्रम होता है, ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम होता है, फार्म मशीनरी बैंकिंग लगाई जाती है, उसके पीछे सरकार का हेतु है। आप सबको सरकार को 80% सब्सिडी की योजना है जिसमें उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं, आप उसका हिस्सा बने और उससे लाभ प्राप्त। सतत कृषि योजना के तहत किसी में खाद्यान्न, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी में भावा हेतु प्रत्येक सेक्टर में अनुदान दिया जा रहा है। पशुधन बीमा योजना के तहत पशु बीमा से किसानों को पशु की आकस्मिक मृत्यु जो भी नुकसान होता है उस नुकसान से बचाया जा रहा है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत राज्य में क्लस्टर आधारित छोटे पॉली हाउस लगाकर सब्जी आदि बागवानी फसलों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा एप्पल मिशन के साथ मिशन कीवी, मिशन तेज पत्ता एवं मिशन तिमूर पर भी कार्य किया जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड की अनुकूल जलवायु और आप सभी की जागरूकता से अब देश में कीवी, अखरोट, नाशपाती, पुलम, खुमानी, ऐसा उत्पादकता भी बढ़ेगी। प्रदेश में एरोमा पार्क पॉलिसी लागू की गई सरकार द्वारा सघन। राजस्थान स्पेशल में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।